हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। तो PHP की 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि PHP में वेरिएबल क्या काम करते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैसेज को कैसे प्रिंट किया जाता है। इसी सिनेरियो को लेके चलते हुए हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या काम करता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल लाइन में कैसे मैसेज को प्रिंट करवाया जा सकता है। बट अभी हमारे पास सिंगल लाइन थी, बट अगर अब हमारे पास मल्टीपल लाइन होगी तो हमें बार बार मैसेज को शो करवाने के लिए ईको में डबल स्ट्रिंग के अंदर मैसेज को शो कराना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया गया है। वेरिएबल का बेसिकली ये काम होता है कि वो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देता है और हम जा कॉल करवाते हैं वो कॉल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे बनता है। वेरिएबल हमने यह एक्स वेरिएबल का नाम एक्स दिया और इसमें कोई भी वैल्यू शो करा दिए, जैसे ग्रो योर स्किल। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है और हम एस लगाना भूल गए और हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं, तो हमें बार बार इको करके इसको चेंज करना पड़ेगा। बट यही काम अगर हमने वेरिएबल के अंदर किया होगा तो हमें सिर्फ एक जगह करेक्ट करने से ये सब जगह चेंज हो जाएगी। और वेरिएबल को अब हम देख लेते हैं कि PHP में वेरिएबल कैसे बनता है। PHP में वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा और इसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना होगा। विदाउट डॉलर हम PHP में वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। और PHP वेरिएबल में जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ होती है उसे हम सिंगल या डबल कोटेशन में लिखते हैं। विदाउट सिंगल और डबल कोटेशन ये मैसेज को प्रिंट नहीं करवाएगा। अब हम देख लेते हैं कि PHP वेरिएबल में जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, क्या उसको भी हम सिंगल और डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, हम इसको नहीं लिखते। हम इसको सिर्फ सिंपली शो करवाते हैं और इसको हम कॉल करवा देते हैं। हमने ये देखा कि वेरिएबल कैसे बनता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से तरीके सही हैं वेरिएबल बनाने के। तो कुछ तरीके जो हमने लिखे हैं वो इसमें से है कि हम वेरिएबल को अल्फ़ाबेट में क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमें वेरिएबल बनाने से पहले डॉलर का साइन लगाना ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। विदाउट डॉलर का साइन हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमें कोई भी दो सेंटेंस के बीच में अंडरस्कोर लगाना है तो ये भी हमारा करेक्ट वे है वेरिएबल बनाने का। अगर हम चाहें तो इसको अंडरस्कोर को पहले भी स्टार्टिंग में भी लिख के हम कोई भी अपना वेरिएबल बना सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। और हम चाहें तो दो वैल्यू के बीच में डैश भी दे सकते हैं, ये भी हमारा सही तरीका है वेरिएबल बनाने का। और अगर हम कैमिल केस में भी वेरिएबल को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैमिल केस का मतलब ये होता है कि हमारा जो दूसरा सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से गलत तरीके हैं जिसे हमें PHP वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला तो ये है कि हम कोई भी दो सेंटेंस के बीच में स्पेस नहीं देते वेरिएबल में, वरना हमारा वेरिएबल काउंट नहीं होता है वो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम वेरिएबल को के स्टार्ट में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते। और तीसरा तरीका ये है कि हम किसी भी वेरिएबल में स्पेशल करेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे गलत तरीके वेरिएबल बनाने के। अब हमसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल है स्मॉल लेटर में हेलो और वेरिएबल है कैपिटल लेटर में हेलो, तो ये दोनों सेम है। तो इसका आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि PHP एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे आपने वेरिएबल जैसा भी क्रिएट किया उसको सेम एज इट इज़ कॉल कराना पड़ेगा। अगर आपने ज़रा सी भी चेंजेस किए अपर या लोअर केस की तो वो इशू क्रिएट कर देगी और उसमें एरर आ जाएगा। तो हमने देख लिया एग्जांपल से कि हम कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं और क्यों बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल की तरफ। तो हम पहले तो अपने सेम पे आ जाते हैं और इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले भी वीडियोज़ में देखा था। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं।
इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाते हैं। इसमें हमने वेरिएबल डॉट पी एच पी के नाम से फाइल बना दी है। अब अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हम वेरिएबल बना देते हैं डॉलर नेम, नेम के उससे वेरिएबल का नेम दे देते हैं और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में जैसे आपकी मर्जी हो आप, हेलो वर्ल्ड। और एंड में सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है और इसको हम कॉल करा देते हैं इको डॉलर नेम जो हमने अपने वेरिएबल का नेम लिखा है। और उसको आपको मैं एक बात बताता चलूं कि हम पहले जो देख रहे थे कि मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम इको के साथ स्ट्रिंग में वैल्यू लिखते थे तो हमारी ब्राउज़र पे शो होती थी, पर हमने अपना काम आसान कर लिया है वेरिएबल के ज़रिए। तो हम वेरिएबल के नेम को सिंगल या डबल स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल बन रहा है। अब इसको हम कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पर देख लेते हैं। हम ब्राउज़र पर आते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नाम लिख देते हैं पी एच पी कोर्स और अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं वेरिएबल डॉट पी एच पी। ये देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं डॉलर के ज़रिए। ये देखें एक ही लाइन में मल्टीपल मैसेज भी शो हो गए। अब हम चाहते हैं कि ये डिफरेंट लाइन में आए मैसेज, तो हम इसके अंदर br के टैग की एडिशन कर देंगे। br का टैग बेसिकली ये काम करता है कि लाइन को ब्रेक कर देता है और इसको टैग को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो हम इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। ये देखें कि इसने हर सेंटेंस को न्यू लाइन में जनरेट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें H1 के टैग को इंसर्ट करवा देते हैं। H1 की जो हम पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग का साइज़ होता है और इसमें हम कैटिनेट करवाएंगे अपने डॉलर के नेम को। होप कि आप लोगों को याद होगा कि कॉन्कैटिनेट क्या काम करता है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर बताता चाहूँ कि दोनों चीज़ों को आपस में मिलाने का काम करता है। और इसको हम H1 के टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ हम अपने वेरिएबल को कॉल करवा देते हैं डॉलर नेम कंट्रोल एस करवा देते हैं। ये देखें कि सबसे बड़ी हेडिंग में जो होती है वो हेलो वर्ड में शो हो गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर हम सिंपल अपना कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं इको के ज़रिए और वेरिएबल का भी शो करवाना चाहते हैं, क्या वो भी करवा सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं ग्रो योर स्किल्स ये देखें इसमें इसने लिखा हुआ कि ग्रो योर स्किल्स हेलो वर्ल्ड। तो ये भी काम कर सकता है कि हम भी अपने मैसेज को जो भी शो कराना चाहें उसके बाद जो डॉलर के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू लिखी हुई है वो हम दोनों को कॉन्कैटिनेट करवा के सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। तो हम एक डॉलर नम के नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, उसमें वैल्यू दे देते हैं 58 और इसको हम कॉल करवा देते हैं ये देखें 58 वैल्यू लिखी भी आ गई है। तो इसमें हमने इस वीडियो में देखा कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इस वीडियो में हमने देखा कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल को बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेरिएबल कैसे बनते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।